हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक क्लास 10th से है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बिल्कुल सिंपल वे में अगर हम कहें कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है तो क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फियर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आपने काफ़ी नोटिस किए होंगे बेटा, अपनी डेली लाइफ में जो है देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें कहता है कि कोई टर्बुलेंट स्टीम ऑफ हॉट एयर राइजेज अबो ए फायर और रेडिएटर। जैसे कोई रेडिएटर हो गया या कोई जो है ऐसी आग जल रही हो, तो उसके ऊपर जो एयर होती है, हॉट एयर जो होती है, वो क्या होती है? ऊपर उठती रहती है। यानी हॉट एयर हमेशा कहता है कि ऊपर उठती है, ठीक है, और वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। जैसे जो एयर होती है वो गर्म होएगी, तो गर्म होने के बाद उसके पार्टिकल जो होते हैं वो हल्के होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो लेस डेंस हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इजीली ट्रेवल कर सकती है एज कंपेयर टू कूलर एयर। और कूलर एयर जो होती है वो क्या मानेंगे हम? वो मोर डेंस मानेंगे। यानी लेस डेंस को हम कह सकते हैं रेयर मीडियम, और कूलर एयर को हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लाइटर जो एयर है उसका कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कूलर एयर है उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। और आपको पता है बेटा कि जो फिजिकल कंडीशन होती हैं रिफ्रैक्टिंग मीडियम की, वो स्टेशनरी नहीं होती, मतलब एक जगह पर नहीं रहती, कभी ज़्यादा कभी कम, टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया, इस तरह से जो है वो होता रहता है। तो इससे जो अपीरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती रहती है? वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी इधर कभी उधर है, ऐसे होती रहती है। और इस प्रकार का जो वेवरिंग इफेक्ट है उसी को क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और उसी के अंदर जो सबसे मेन जो एग्जांपल आता है आपका, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है तो समझिए पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को। ये हमने मान लिया बेटा कोई स्टार है, ठीक है। तो अब इस स्टार से जो है वो लाइट आएगी। मान लो जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वर है और इस स्टार को वो ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ बीच में क्या है? यहाँ पर हमारा एटमॉस्फियर है। तो जैसे जैसे स्टार जो लाइट है वो हमारे एटमॉस्फियर के अंदर आती है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो सन के नज़दीक हो जाएगा, या यूँ कहें जो स्टार है उसके नज़दीक है ऊपर। और इसका जो पोर्शन हो जाएगा ऊपर वाला वो कौन सा होगा? वो रेयर मीडियम होगा, क्योंकि ऊपर हल्का मीडियम हो जाएगा और नीचे नीचे जैसे जैसे अर्थ के पास आते जाएंगे तो डेंसर मीडियम है वो होता चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर आई तो यहाँ नॉर्मल हो गया, रेयर से डेंसर में गई तो टू वर्ड्स द नॉर्मल, फिर मान लो इस लेयर पर आएगी तो फिर क्या होगा? फिर टू वर्ड्स द नॉर्मल, और फिर इस प्रकार से आई फिर क्या हो जाएगा? टू वर्ड्स द नॉर्मल। और इस प्रकार से हर पॉइंट के ऊपर जो है इस लाइट का जो है वो रिफ्रैक्शन होता रहेगा, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ये लाइट आएगी तो हर बार टूवर्ड्स द नॉर्मल है वो होती रहेगी। और हमें पता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये वाली जो लाइट है वो हमें क्या लगेगा कि यहां से आ रही है, ठीक है। तो हमें जो स्टार है वो थोड़ा सा अपनी एक्चुअल पोजिशन से ऊपर दिखाई देता है। ये कौन सी है? ये अपेरियंट पोजीशन है, अपेरियंट पोजीशन। और ये कौन सी है? ये एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। वास्तव में स्टार है वो यहां है, लेकिन हमें कहां दिखाई दे रहा है? स्लाइटली रेज दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताया कि जो सेम नहीं होती, कभी टेम्परेचर बढ़ गया कभी कम हो गया, तो इस प्रकार से जो जैसे जैसे लाइट आती तो वो क्या होती रहती है? इधर उधर होती रहती है। तो कभी स्टार हमें लाइटर दिखता है तो कभी हमें
फेंटर दिखता है। तो इस प्रकार से जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में क्या कहता है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। किस वजह से होता है ये, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है स्टारलाइट का। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर, जैसे जैसे स्टारलाइट अर्थ एटमोस्फियर में आती है अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, उसका रिफ्रैक्शन होता रहता है, इट रीचेज द अर्थ। जैसे जैसे वो अर्थ के पास पहुंचती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता रहेगा, हर बार वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती रहेगी। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर मीडियम चेंज हो रहा है बार बार तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मीडियम रेयर होगा, जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा वहां पर मीडियम कैसा होता रहेगा, वहां पर डेंसर होता रहेगा। अब क्या कहता है कि सिंस द एटमोस्फियर बेंड्स स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वही बात जो अभी आपको बताई कि एटमोस्फियर जो क्या हो जाएगा, स्टारलाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर देगा। द अपेरियंट पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, ठीक है, तो उसकी अपेरियंट पोजिशन कैसी होगी, हमें थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबो, जैसे यहाँ है एक्चुअल तो अपीरियंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, जैसे यह डायग्राम में दिखा रखा है। दिस अपीरियंट पोजिशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी, तो ये पोजिशन बेटा एक जगह पर नहीं हो सकती, इसकी स्टेशनरी नहीं है। क्यों स्टेशनरी नहीं है, बट कीप्स चेंजिंग स्लाइटली, चेंज हो रही है, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमोस्फियर आर नॉट स्टेशनरी, तो फिजिकल कंडीशन बताया आपको स्टेशनरी नहीं है। एज वॉज द केस इन प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट, तो स्टार क्या है, हमसे बहुत ज्यादा दूर है, दे आर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो वो कैसे है, लगभग पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, तो जैसे जैसे पाथ जो है अपने नजदीक आता रहता है जो लाइट का, तो वो स्लाइटली चेंज होता रहता है। द अपीरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड एट समटाइम्स फेंटर, विच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट, वही क्या है, ट्विंकलिंग इफेक्ट है, यानी वो फ्लक्चुएट करती रहेगी और जैसे ही हमारी आंखों पर लाइट गिरती है तो कभी वो ज्यादा दिखती है और कभी वो डाउन दिखती है, तो यही क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि वाई डू नॉट द प्लेनेट ट्विंकल, अभी हमने बता दिया कि स्टार है वो टिमटिमाते हैं लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो उसको देखिए कैसे है कि प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, आपको पता है कि प्लेनेट जो है अर्थ के बहुत नजदीक है इसलिए वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, एंड आर देन सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, तो वो हमें कैसे दिखते हैं कि एक्सटेंडेड सोर्स के रूप में दिखते हैं, कि बड़े सोर्स के रूप में दिखते हैं। इफ वी कंसिडर ए प्लेनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, यदि हम प्लेनेट को लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कंसिडर कर लें कि ये एक कलेक्शन है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट का, द टोटल वेयरिंग इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल अमाउंट आउट टू जीरो, देयर बाई नलफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, यानी जो टोटल अमाउंट आएगा, जो वेरिएशन आएगा हमारी आंखों पर हरेक इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट का एवरेज देखेंगे तो वो कैसा होगा, जीरो होगा। यानी अगर इसको सिंपली वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेनेट हमारे बहुत क्लोज हैं और वो एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एक प्लेनेट को हम ऐसे मान लें कि बहुत सारे जो है छोटे छोटे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, जैसे एक पेन को मान लिया, ये जो निब है हमारे पास, ये पेन की जो टिप है ये बहुत बारीक है,
हम क्या कर लें, ऐसी ऐसी बहुत सारी जो है वो बारीक बारीक पिन इकट्ठा कर लें और सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या है, एक जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो अकेली इसकी लाइट जो है वो फ्लिकर करती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सभी को इकट्ठा हम एक पॉइंट सोर्स के रूप में कंसिडर कर लें, ठीक है, तो इनका जो वेरिएशन होगा वो एवरेज कितना होगा, जीरो होगा। सो कोई भी ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नहीं होगा। देखो, टिमटिमाती हुई हमें तभी दिखाई देगी जब सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा कैसा होगा, सिंगल होगा और एक छोटा होगा। यदि हमारे पास बहुत बड़ी, अगर लेजर लाइट हो बेटा, लेजर लाइट को आप दूर से देखो तो वो हमें थोड़ी ही ट्विंकलिंग होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे ही बहुत बड़ी जो सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो अगर किसी बड़े व्हीकल की देखें और किसी की देखें, इसमें ट्रक वगैरह की जैसे लाइट देखें, तो वो लेजर लाइट के कंपैरेटिव हमें कम ट्विंकलिंग शो करती है। क्यों शो करती है, क्योंकि एक लेजर लाइट को यदि हम मान लो जैसे ट्रक की लाइट होगी, तो उस लाइट को हम क्या मान ले कि बहुत सारी जो छोटी छोटी लेजर लाइट मिलकर उस लाइट को मिला रही हैं, तो वो बड़ा सोर्स हो गया। और बड़ा सोर्स कैसा देगा, नलफाइंग जो है वो ट्विंकल, नलफाइंग जो है इफेक्ट देगा ट्विंकलिंग का, तो इसीलिए जो है वो प्लेनेट नहीं टिमटिमाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एडवांस सनराइजेज एंड डिले सनसेट, कि जो सूर्य है वो हमें एक्चुअल सनराइजेज से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जब छिप जाता है, सनसेट हो जाता है, तो 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। क्या कारण है इसका, तो देखिए इसी में जो है हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बेटा, समझते हैं इसको। देखो, अगर मान लो हमने ये मान लिया कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, इसको हम मान ले अर्थ है, और ये क्या है, अर्थ का होरिजोन है, होरिजोन, ठीक है। अब सन जो है वो यहां है, ये है सन, तो क्या होगा, हर तरफ लाइट देगा, और अगर ऑब्जर्वर मान लो यहां पर है ऑब्जर्वर, ठीक है, इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा कि लाइट इधर भी जाएगी, इस साइड भी जाएगी, तो यहां जैसे जैसे जाएगी तो वह क्या होती रहेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती रहेगी, क्योंकि यहां सन के नजदीक जो होता रहेगा वहां पर लाइट है वो क्या होगी, थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर रहेगा यहां पर, तो वो मीडियम हल्का, और जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो मीडियम डेंसर होता चले जा, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती रहेगी, तो ये इस प्रकार जाती जाती जो है वो ऐसे गई टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, फिर ऐसे गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और वो इस प्रकार से ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है। जब ऑब्जर्वर को ये लाइट यहां गिरती तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो है वो यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है यहां से यहां तक आने में वो 2 मिनट का हो जाता है बेटा, ठीक है। ऐसा ही इवनिंग के टाइम होता है, सनसेट के टाइम, जब अर्थ जो सन है वो यहां पर होता है यानी सनसेट हो जाता है, तो सेम वही प्रोसीजर, लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती हुई इस प्रकार जाएगी, और उसे क्या लगेगा कि ये जो है वो अभी भी यहां पर है। ये टाइम भी कितना होगा इसका, 2 मिनट का होगा, यानी पूरे टाइम अगर देखें तो दिन जो होता है वो 4 मिनट बड़ा होता है और रात वो छोटी होती है। तो इस प्रकार से जो है सन जो है हमें 2 मिनट पहले मॉर्निंग में और 2 मिनट बाद तक इवनिंग में दिखाई देता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड जो मॉर्निंग में हम बात करें सनराइज़ में, तो सूर्य जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो लाल दिखाई देता है, तो क्या कारण है वो हमें लाल दिखाई देता है। तो देखो बेटा, सन यहां था, लाइट यहां पर जाती है, तो उसको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ये काफी लंबा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि बाकी कलर जो होते हैं रास्ते के अंदर ही स्कैटर हो जाते हैं,
रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड है। कैसा है? लीस्ट स्कैटर्ड है, ये सबसे कम फैलता है बेटा। कम फैलता है तो इसका मतलब ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये आसानी से जो है दूर से दिखाई देने लगता है। ऐसा ही इवनिंग के टाइम होता है, इवनिंग के टाइम में भी ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब बात करें दोपहर की, बात करें तो सन इस प्रकार होता हुआ यहाँ पहुँच जाता है आफ्टरनून में, दोपहर में। तो जैसे मान लो यहाँ पहुँच गया तो ये डिस्टेंस लाइट जैसे क्या आएगी, वो सीधी यहाँ पर आएगी, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। इसीलिए हमें क्या होता है, वाइट दिखाई देता है, कोई भी कलर जो है वो स्कैटर नहीं हो पाता है, तो हमें ये दोपहर के टाइम जो है वो वाइट दिखाई देता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम हमें कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। तो इसी में दो क्वेश्चन है बेटा ये, एक तो एडवांस सनराइजेज और सनसेट का है 2 मिनट का, और एक है सन जो है वो रेडिश दिखता है अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, ठीक है। देखिए बुक में क्या कहता है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, 2 मिनट एक्चुअल सनराइज से पहले में दिखाई देता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है। बाई एक्चुअली सनराइजेज वी मीन्स एक्चुअल क्रॉसिंग द होरिजोन, देखो ये होरिजोन है, एक्चुअल सन जो राइज या सनसेट का मतलब क्या है कि जब इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो सनराइजेज हो गया, और यहाँ से नीचे चला जाएगा तो सनसेट हो गया। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है विद रिस्पेक्ट टू होरिजोन जो है सन की पोजिशन दिखा रखी है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपीरियंट सनसेट इज 2 मिनट, तो जो टाइम डिफरेंस है सनसेट और सनराइजेज के बीच का वो कितना है, 2 मिनट का है। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है बेटा, इनके आपने नोट्स बनाने हैं यहाँ से। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और इनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एनुअल एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से जो है बड़ा क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो बेटा अभी तक अगर यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस न हो। थैंक यू।